परीक्षा की बात कर लेते हैं। आज से ग्राम विकास अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा भी पटवारी भर्ती परीक्षा की तरह चार चरणों में होगी। परीक्षा में एक पद के लिए 382 से अधिक छात्र परीक्षा में अपना भाग्य आजमाएंगे। नकल या पेपर लीक को लेकर संवेदनशील माने जाने वाले प्रदेश के 7 जिलों में एक भी परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया, लेकिन परीक्षा प्रदेश के 26 जिलों में होगी। पटवारी भर्ती परीक्षा 23 जिलों में हुई थी और 10 जिलों को परीक्षा से बाहर रखा गया था, लेकिन इस बार चयन बोर्ड ने 3 जिलों को राहत देते हुए उन्हें ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल किया। परीक्षा में 14,92,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। चयन बोर्ड ने पुलिस और जिला प्रशासन के सहयोग से पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। परीक्षा के साथ मॉनिटरिंग करने और पारदर्शिता रखने के लिए इसको 4 चरणों में आयोजित किया जा रहा है, ताकि एक साथ अभ्यर्थियों की भीड़ जमा न हो। सत्ताईस और 28 दिसंबर को ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा आयोजित होने जा रही है और परीक्षा को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 27 और 28 दिसंबर को 4 चरणों में आयोजित होने वाली इस परीक्षा को लेकर नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए भी अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो वहीं दूसरी ओर 3,892 पदों पर आयोजित होने वाली इस भर्ती परीक्षा में 14,92,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। सबसे ज़्यादा परीक्षार्थी राजधानी जयपुर में हैं, जिसमें प्रत्येक चरण में करीब 85,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। तो वहीं परीक्षार्थियों को कोई भी असुविधा न हो, इसके लिए भी जिला कलेक्ट्रेट में एक सहायता कक्ष स्थापित कर दिया गया है। तो वहीं राजधानी जयपुर में कई अस्थायी बस अड्डे भी तैनात कर दिए गए हैं। ऐसे में बोर्ड की ओर से इस परीक्षा को लेकर सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। तो वहीं परीक्षा को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर। बढ़ते आगे कोरोना की रोकथाम के लिए बूस्टर डोज